आपकी आवाज़ और मैं हूँ मैविस सिद्दीक। नाज़रीन, पाकिस्तान की मजमूई आबादी में 8 से तकरीबन 16 साल की उम्र तक के बच्चों की तादाद 90 लाख के करीब है। इनमें से 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई घर नहीं होता, मतलब वो अपनी ज़िंदगियाँ यहीं सड़कों और फुटपाथों पर गुजारते हैं। ऐसे बच्चों को अमूमन सड़क पर रहने वाले बच्चे या फिर स्ट्रीट चिल्ड्रन के नाम से जाना जाता है। इन बच्चों में ज़्यादातर बच्चों की तादाद यतीम बच्चों की होती है या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के दरमियान झगड़ों की वजह से तंग आकर या फिर घरेलू नाचाकी से तंग आकर या फिर अपने माँ बाप के तशद्दुद से तंग आकर उससे फ़रार हासिल करने के लिए सड़कों पर और फुटपाथों पर रहने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे बच्चे कई किस्म के ज़रिया माश को भी अपनाते हैं, जिनमें गाड़ी साफ़ करना, कचरा चुनना या कचरे से कारामद चीज़ें चुनना और घरेलू मुलाजमत करना, जूते पॉलिश करना, ये तमाम काम ये लोग करते हैं। खेलने कूदने के दिनों में ये बच्चे अपनी ज़िंदगी के दिन कैसे बसर करते हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हम आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। आपने अक्सर देखा होगा कि शहर की छोटी बड़ी शाहराहों पर जब गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है तो छोटे बच्चों की भीड़ लग जाती है। कोई गजरे बेचना चाहता है तो कोई गुलदस्ते, कोई अखबार बेचने का ख्वाहिशमंद होता है तो कोई आपकी गाड़ी के शीशे पानी से साफ करना चाहता है, तो कोई माजूरी का मेकअप धार कर भीख मांगने का जौहर दिखाता है। ये बच्चे हमारे माशरे के वो बदनसीब बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी में या तो यतीमी का जहर शामिल हो चुका है या अपने माँ बाप के तशद्दुद की वजह से घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इन बच्चों का कोई घर नहीं होता। ये बेघर बच्चे फुटपाथ और सड़कों को ही अपना घर समझते हैं। वैसे तो ये बच्चे रोज़ी कमाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन नहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि रोज़ी कमाने के बाद इन बच्चों की शामें और रातें मुख्तलिफ किस्म के नशों की नज़र हो जाती हैं। इन नशों में सिगरेट, चर्स, समद बॉन्ड की खुशबू और हीरोइन वगैरह शामिल हैं। हीरोइन के टीकों से उन्हें कई बीमारियाँ भी लाहक हो जाती हैं, जिनमें HIV/AIDS सबसे ज़्यादा मोहलिक है। ये बच्चे बेशतर औकात जिनसी ज्यादतियों का शिकार भी होते हैं। यही वो तमाम वजूहात हैं जिनकी वजह से जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो चोरी चकारी, लूट मार, स्ट्रीट क्राइम्स और दीगर मुजरमाना आदतों से इब्तिदा करने के बाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस हो जाते हैं। नाज़रीन, आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, आपको यकीनन इन बच्चों के हालात ज़ार देख के तरस आया होगा और आपने यकीनन ये सोचा होगा कि अगर इन बेचारे बच्चों को यतीमी का दाग ना सहना पड़ता और उनके साथ जो घरों में सलूक नारवा सलूक होता है उसको ना झेलना पड़ता तो शायद ये बच्चे इस तरह सड़कों पर, फुटपाथों पर अपनी बेयारो मददगार ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर ना होते और वो सब कुछ ना कर रहे होते जो ये अब कर रहे हैं। नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही बच्चों से करवाएँगे और उनकी ज़िंदगी कैसे गुजारी है यह आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहांगीर पार्क में, जहाँ के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे स्ट्रीट चाइल्ड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे मौजूद जितने भी बच्चे जो यहाँ पे मौजूद होंगे मैं उनसे बात करूँगी और उनके हालात ज़िंदगी के बारे में मालूम करूँगी कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी है यहाँ सड़क पर और इस पार्क में गुजारते हैं, बिना छत के, बिना किसी सहारे के, बिना माँ बाप के, उनकी ज़िंदगी कैसी है और कैसी नहीं है। चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? गुलाम हैदर। गुलाम हैदर, आप क्या काम करते हैं? कागज़ चुनते हैं। कागज़ चुनते हैं। आप कहाँ रहते हैं? ये स्टेडियम पुरानी का सड़क। बाहर सड़क पे? नहीं, गली में। गली में सोते हैं। तो आपके साथ कोई और होता है या आप अकेले हैं? नहीं, मेरा एक बड़ा भाई है, वो रहता है। वो भी आपके साथ उधर ही गली में सोता है? तो इतनी सर्दी का मौसम है, आपके पास बिस्तर वगैरह होता है? नहीं, कुछ नहीं होता, इसी बस उधर गत्ते का, गत्ते में ऊपर सोता। गत्ते के ऊपर सो जाते हैं। आप कितने पैसे कमाते हैं एक दिन में? 50-60 रुपये कमाता है। तुम लोग जब बाहर गली में सोते हो तो तुम लोगों के साथ कभी कुछ गलत हुआ है? कभी किसी ने तुम लोगों को मारा हो या तुम लोगों को कहा नशा करो, कुछ गलत हुआ है तुम लोगों के साथ? नशा मशा तो नहीं करता, पुलिस वाला आएगा हम लोगों को तंग करता, पैसा लेता, कोई वो रहा था हम लोगों का मारता बस। और पैसे क्यों मांगते हैं? वो बोल रहा चोर है। अच्छा, तुम यहाँ पार्क में भी घूमते हो, यहाँ से भी कचरा चुनते हो, तो यहाँ बच्चे आपस में लड़ते हैं या एक दूसरे को ब्लेड वगैरह मार देते हैं? हाँ, किसी ने मेरे को मारा। कहाँ मारा था? यहाँ पर। दिखाओ, क्या मारा था? ब्लेड नहीं मारा था। ब्लेड मारा था? क्यों? हमारे ऊपर बदमाशी करता। अच्छा, तो तुम बड़े हो के क्या बनोगे? तो बड़े होएगा तो ये कागज चुनेगा, क्या बनेगा ना। और सर्दी के मौसम में तुम्हें कैसा लगता है रात को? बस ये इसी सोएगा, बोरे के अंदर सोएगा बस, क्या सर्दी लगता है क्या लगता है, इसी सोएगा। तो हम लोगों के पास चादर नहीं है।
कहाँ रहते हो? बाहर रहते हो? घर है? हाँ। घर में रहते हो या बाहर रहते हो? बाहर रहते हो। बाहर रहते हो, किसके साथ? जुमा के साथ। दोस्त है तुम्हारा? हाँ। अच्छा, और छोटा बच्चा है वो भी? नहीं, बड़ा है। अच्छा, तो आपके अम्मी अबू हैं? हाँ। क्या काम करते हैं वो? वो घर से बैठा हो। घर में बैठे हुए हैं? हाँ। और आप यहाँ कागज चुन के पैसे कमाते हैं? हाँ। आपका घर कहाँ है? अफगानिस्तान। आपका नाम क्या है? जाहिद। अच्छा, आप यहाँ खाना खाने आते हैं? नहीं, मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं गाड़ियाँ साफ करता हूँ। गाड़ियाँ साफ करते हो? अच्छा, तो कोई नशा वगैरह करते हो? कुछ भी नहीं करता। तो अपना गुजारा अपने पैसों से करते हो? हाँ, अपने पैसों से। तो क्यों हमारे घर वाले नहीं है? क्यों नहीं है, अल्लाह का शुक्र है सब। अच्छा, तो तुम नशा करते हो? करता हूँ। किस चीज़ का नशा करते हो? समझ बॉन्ड? हाँ। हीरोइन? सही बताओ, इधर तो आओ। तो तुम ये अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? है मुंह छुपाना है। क्यों मुंह क्यों छुपाना है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि घर क्यों नहीं जाते अपने? घर मेरे को जाने का दिल नहीं करता। क्यों नहीं दिल चाहता? तुम्हारे अम्मी अबू हैं? हाँ है। तो वो तुम्हें नहीं बुलाते? बुलाते हैं, बुलाता है। अच्छा, कुछ नहीं, सिर्फ ये बताओ कि अपना नशा पूरा करने के लिए कहाँ से पैसे लाते हो? मैं? हाँ। तांबा तोड़ता हूँ। और गाड़ियों वगैरह की भी चीजें चोरी करते हो? ये क्या है? ये समझ बॉन्ड है बे। इसको क्या करते हो, दिखाओ। ये तुम इसका नशा करते हो? कितनी शर्म की बात है। ये कौन लाके देता है? ये तुम्हें कौन लाके? मैं खुद लाता हूँ। छोड़ इसको। कितने का लाते हो? ये 200 रुपया का। 200 रुपए का ये डब्बा लेकर आते हो और इसको किस तरह से तुम इस्तेमाल करते हो? एक घंटा नहीं चलता है। एक घंटा नहीं चलता ये? हाँ। नाज़रीन, हमने यहाँ पे स्ट्रीट चाइल्ड देखे जो कि यहाँ पे बैठे हुए लावारिसों की तरह, और जो कि ड्रग यूज़ करते हैं, जो कि सेक्सुअल अब्यूज़ का भी को भी अपना उन्होंने पेशा बनाया हुआ, और वो ये अपनाते हैं और इस बात को मानते नहीं हैं कि वो इस तरह कमर्शियल सेक्स वर्कर हैं और उसके ज़रिए वो पैसे कमा के अपने नशा पूरा करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो अपने घरों से भागे हुए हैं और यहाँ लावारिसों की तरह पड़े हुए हैं। फ्री का खाना उन्हें मिलता है, जो लोग सदका खैरात करने आते हैं वो खाना इन्हें यहाँ पर खिला देते हैं। हम लोग सब इधर ही काम कर रहे हैं ना। क्या काम करते हो आप लोग? कागज उठाता है। कागज चुनते हो? हाँ। अच्छा, तो आप लोगों को दिन में कितनी कमाई होती है? 200-300 कमाएगा। 200-300 रुपए कमाते हो? अच्छा, तो आप लोग इसके अलावा कभी नशे की आदत में तो नहीं पड़े आप लोग यहाँ बाहर काम करते हो? हम लोग कोई नशा नहीं करते। अच्छा, आप लोग तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना। हाँ। आप लोग तो खुद अपनी मेहनत करके पैसे कमाते हो। कितना मुश्किल जिंदगी है या नहीं? हाँ, बहुत मुश्किल है। कैसा लगता है ऐसी जिंदगी में? बहुत बहुत खराब लग रहा है हम लोगों को। खराब लगता है? हाँ। आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों की जिंदगी कैसी हो? हम लोग जिंदगी अच्छा हो जावे कहिए। अच्छा, तुम लोग कितने पैसे कमाते हो दिन के? 200 कमाएगा 150। तो आप लोग कैसे बचे हुए हो? बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि नशा करते हैं समद बॉन्ड का, आपको पता है? हाँ, वो लोग सब रोहिणी है ना। हाँ, वो सब इधर ही रहने का है। मुझे ये बताओ कि तुम भी यहाँ पे हो, यहाँ सारे हर तरह के बच्चे घूम रहे हैं, तो तुम्हें कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है यहाँ? अच्छा लगता है? अम्मी याद आती है। अम्मी याद आती है? किस चीज़ का नशा करते हो? सिगरेट, समद बॉन्ड। समद बॉन्ड भी? चरस बस। ये नशे के अंदर कटवा दिया। जो बोलता है आ जाओ उधर सफाई है, उधर करो इतना पैसा 500-600, हम जाता है फिर वो नहीं देता है। नहीं देते।